वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अभी टाइम हुआ है एग्जैक्ट 9. हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए बंजी जंपिंग के लिए निकलने वाले हैं. 25 किलोमीटर्स है तो 40-45 मिनट्स लगेगा, हम लोग पहुँच जाएंगे. उसके बाद का वीडियो देखना, उसके बाद राइड करेंगे बैक टू मुंबई. अभी कितना टाइम लगता है पता नहीं, बट जर्नी का मज़ा उठाते हुए जाएंगे, तो प्लीज़ देखना. फाइनली हम पहुंच गए हैं. वो देखिए उधर है हमारा आज का एडवेंचर, जंपिंग हाइट्स. कोई दिख नहीं रहा है, लच्ची व्यू भी बहुत मस्त है, ऊपर से तो और मस्त लगेगा. गोवा से निकल चुके हैं, बंजी जंपिंग करके हो गया है. हम लोग ने पहला पेट्रोल बैग लिया है. पेट्रोल ऑलमोस्ट था हाफ टैंक के क्लोज, बट आगे घाट पे मिले ना मिले, और अंदर में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि टैंक फुल कर लेते हैं, जो दिख जाए पहले वो काम कर ले. अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, कुछ शायद कैप्चर करने के लिए नहीं मिलेगा, बट अच्छी राइड करनी है अभी अंधेरे में. पेट्रोल भरवा के 26 किलोमीटर आगे आ चुके हैं. 26 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है, अभी तक वैसे ही रोड्स हैं. अच्छे रास्ते कोई स्कोप नहीं दिख रहा है इसीलिए, और हमें ये नहीं पता था कि रोड इतना ख़राब है, बट ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया है अब. क्योंकि गोवा जो है कालंगुट बीच है, बाबा बीच है, वहाँ से जो बंजी जंपिंग है वो है 25 किलोमीटर दूर, तो उतना चला के आप बहुत आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं. गोवा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था अभी उधर, उसकी थोड़ा टाइम बाद ही पेट्रोल भराने के बाद ही महाराष्ट्र चालू हो चुका था. तो 25 आपको चलाना पड़ेगा, अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है तो 15-20 किलोमीटर तो वापस जाइए हाईवे की तरफ, उसके बाद अच्छा रोड लीजिए, वो रोड इतना ख़राब नहीं है. नीचे मोबाइल लगा हुआ है, मोबाइल में रूट देखिए कैसा है, देख के लगेगा मज़ा आ जाएगा. पूरा अंधेरा हो गया, अभी हम लोग घाट चढ़ रहे हैं. पेट्रोल भराने के बाद 30 किलोमीटर के बाद घाट आए हैं, और घाट मैप में देख के डर लग रहा है, बट होप सब अच्छा ही हो. वैसे खाली है, थोड़ी सी रोशनी है अभी हल्की हल्की, और मैप देख के तो मज़ा आ रहा है, मतलब डर लग रहा है. बाकी देखें राइड करने में अच्छे से जाएंगे, धीरे धीरे भाई नहीं करेंगे. पता नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन देखो मैप में हम लोग पूरा घाट क्रॉस कर चुके हैं, zigzag पूरा चला के. रोड काफ़ी अच्छा था, घाट चढ़ने में बहुत मज़ा आया. हम लोग 20-30 मिनट में घाट चढ़ के आए. GoPro में शायद अभी तक बैटरी बची है. अभी हम लोग वो कच्चा रास्ता पार करके पहुँचे थे,
ये है पटानी फाटा मैप, अलग अलग रास्ते दिखा रहा है बट लोकल गाइडेंस के हिसाब से यहाँ से राइट लेना है, गूगल लेफ्ट दिखा रहा है। राइट का रास्ता अच्छा है और कोल्हापुर बेलगाम हाईवे जल्दी आएगा और डिस्टेंस भी सेम ही दिखा रहा है। तो हम लोग फाइनली अभी अच्छे रास्ते पे आ गए हैं। यह है पटानी फाटा, यहाँ से अभी लेफ्ट लेंगे, उसके बाद 20-25 किलोमीटर के बाद एक दूसरा फाइनली हम हाईवे पहुंच गए हैं। यह है NH 48। हम लोग गांव में से निकलते निकलते रास्ता पार करके कर्नाटका भी एंटर कर चुके थे, वहाँ से फिर ये हाईवे मिला। पता नहीं कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए अपर में ये NH 48 कंटिन्यूसली कोल्हापुर तक है। अब हम इसी पे राइड करेंगे और एक घंटे में पहुँच जाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, आ जाओ। हम लोग अभी निकल रहे हैं कोल्हापुर से, लेट हो गया है हमेशा की तरह। हम लोग सिटी क्रॉस करके हाईवे पहुंच चुके हैं। यह है कोल्हापुर बैंगलोर पुणे एक्सप्रेस हाईवे। We'll be right back.
हम अभी पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट पुणे, यहाँ से स्टार्ट होगा, बट हम लोग बाईपास का रोड लेंगे। हम लोग भी ट्रैफिक में फंसे हैं, पूरा रास्ता खाली था, थोड़ा ब्रेक लेके पहुंचे हैं मुंबई। और 150 किलोमीटर होगा यहाँ से, 140-150 किलोमीटर नॉट मुंबई बट द डेस्टिनेशन। क्लाइमेट अच्छा है सतारा में, ठंडी ठंडी ब्रीज लग रही थी हवा पे जब गाड़ी चलाते समय, तो गर्मी हुई नहीं एक बार भी। जैसे कोल्हापुर सतारा में तो गर्मी बहुत होती है, बट अभी विंटर चल। किलोमीटर है ये टोल प्लाजा है, ये है वर्सोली टोल प्लाजा, मुझे लगा वसूली लिखा है ये है वर्सोली टोल प्लाजा। अभी टाइम हुआ है 7, हमारा घर लास्ट नगर यहाँ से है और 85 किलोमीटर। तो जैसे रास्ता है उसके हिसाब से 2 घंटे लगेंगे, बट अभी हम लोग रुकेंगे मैकडॉनल्ड्स में कुछ खाएंगे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। ये है लोनावाला का रोड, द फेमस लोनावाला स्पॉट। तो यहाँ पे सब चिक्की वाले हैं, मगन लाल चिक्की, फौज एंड ऑल बहुत फेमस है यहाँ पे। लोनावाला और टाइगर पॉइंट जो फेमस स्पॉट है बाइकर्स के लिए टू फ्रॉम मुंबई एंड नियर बाई एरिया। कितनी भीड़ है बताओ, गोल्डन चिक्की एंड ओडा बॉय फुल, नो स्पेस। रास्ता करके फिर निकलेंगे, बाहर बैठा हूँ क्योंकि बाइक यहाँ पे खड़ी है, कबिनार RS 200। कुछ भाई गए हैं कुछ लेने, हम खाएंगे फिर थोड़ी देर में निकलेंगे, उसके बाद कुछ रहा कैप्चर करने के लिए तो करूँगा, वरना फिर व्लॉग एंड करना पड़ेगा। पहले पेट पूजा, अब तक यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।